अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं जो है ना नमाज वमाज पढ़ के थोड़ा सा पढ़ के जो है अभी बना रही हूँ शाही टुकड़े। तो जी ये दूध उसका ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसके अलावा जो है ना मैंने शीरा भी तैयार करके रख लिया है, और साथ ये ब्रेड जो है ये भी गोल्डन कर लिए हैं। तो अभी जो है ना ये तैयार है बिल्कुल बनाने के लिए। तो ये देखें जी मैंने रेडी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे पाकिस्तान को ईद मुबारक। जो जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान हैं सबको ईद मुबारक। तो जी अभी जो है मैं फारूक होकर बैठी हूँ। मैंने सुबह शाही टुकड़े बनाए हैं, फिर बिरयानी बनाई थी, साथ मैंने ना ग्रीन चटनी पुदीने की बनाई है, तो और फिर बर्तन वगैरह धो के, पता फिर ईद वाले दिन कैसे बर्तन भरे जाते हैं ना वाह वाह, तो वो मैंने धोए। तो जी आपकी कैसी ईद जा रही होगी लॉकडाउन के अंदर? तो अच्छी बात है कि ना घर में सेफ होना चाहिए, तो हाँ अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पे तो लॉकडाउन नहीं है, तो यहाँ पे तो आप आराम से घूम फिर रहे हैं, लेकिन ये क्या बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, ज़ाहिर वो तो उन्हें छुट्टी देते हैं, लेकिन ये है कि हमारा ज़ाहिर कौमी त्यौहार है, तो फिर वीज़ा को मैंने स्कूल से छुट्टी करवाई थी आज, लेकिन कल इंशाल्लाह वीज़ा स्कूल जाएगी। अच्छा ये देखें मेरी ड्रेसिंग, ये आपको कढ़ाई का सूट नज़र आ रहा होगा जो मैंने पहना, ये ब्राउन कलर का होगा, ये ना मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, पूरे सूट के ऊपर ऐसी कढ़ाई हुई हुई है। तो ये इसके बाजू हैं, तो गले के ऊपर भी ऐसे ही है गोल्डन, ये इस तरह का काम हुआ है, फूल बने हुए हैं। और ये चूड़ियाँ जो सी है ना मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो सा ना फर्स्ट टाइम मैंने ये यहाँ पे ये वाली पहनी है इस तरह की, यानी तो अब ये खैर सूट तो मेरी अम्मी ने माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा प्यार प्यार दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो सा ना ये मोटा है खद्दड़ का, तो ना इसका चांस अभी बना है पहनने का कि ईद पे पहनना चाहे, तो मैंने कि बस। और लेकिन जो सा ना इसका पजामा वो सादा ही है बिल्कुल, ट्राउज़र, तो मैंने तो इस तक ईजा नहीं हो सा वो फ्रॉक पहना हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फिर भी। हाँ जी तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी कुछ समोसे। तो जी ये पहले प्याज कट किया, प्याज को ऑयल के अंदर डाल के गोल्डन ब्राउन करना है, और ये थोड़ी सी अदरक थोड़ा सा लहसुन इसको कद्दूकस करके तो इसको भी अंदर डाल दिया, फिर थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप जो से ना उसको उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। ये गया अंदर नमक, हल्दी, दादर मिर्च, जीरा, काला खुश्क धनिया, और जी इसको आप अच्छी तरह से काट लें मिक्स। और ये कटे हुए आलू तो उबले हुए नहीं है जी, बॉयल्ड नहीं किए, तो इनको ऐसे ही मैंने डाल के, तो अब इनको पकने के लिए रख दूंगी ढक्कन दे के। तो जी ये अभी वेट करते हैं। तो जी इसके अलावा मैंने लिए थी 3 अदद हरी मिर्चें और हरी प्याज, तो वो भी इसके अंदर जाएगा। अब ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे हैं। तो ये बन गया जी समोसे की अंदर वाली फीलिंग। तो जी ये है मेरे पास हरा धनिया, ये मैंने हरी प्याज काट कर ली है, और इसके अलावा जी हरी मिर्चें भी हैं, वो भी करेंगे इसके अंदर ऐड, क्योंकि आलू जो से है ना वो तकरीबन पक चुके हैं, थोड़ा सा बस रह गए। ये देखेंगे ये पक चुके हैं, टूट रहे हैं अभी, तो जो से है ना बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें जी। तो अभी इसके अंदर हम डालते हैं जी हरा धनिया और ये हरी प्याज और हरी मिर्चें एंड के ऊपर, और साथ ही जी इसके अंदर जाएगा काली मिर्चें पिसी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इसे मिक्स करें। और ये देखें मैंने समोसे जो से ना फिलिंग करके तो ये बना के तो मैंने डाल दिए इसके अंदर, कैसे बने हैं ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे बने हैं मेरे समोसे, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, इसलिए मैंने कहा आपसे उसकी रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर दूँ। साहब मैंने हरी चटनी ली है मिंट की, तो क्रिस्पी भी हैं, लेकिन जो अंदर से फीलिंग थी ना वो बहुत ही मज़ेदार यमी थी। और अब भी जो है ना मेरा दिल है इसके बनाइए, देखें ज़रा कितने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल सेम जो है ना बाज़ार की तरह के बने हैं माशाल्लाह से भाई जी, वाह वाह वाह, मैं तो एक्सपर्ट हो गई हूँ भाई। अच्छा जी तो अभी जो से ना मेरा दिल कर रहा है बनाया जाए जी समोसा चाट, तो जो जो मेरे पास घर में चीज़ें मौजूद हैं मैं डालूंगी वो ही इसके अंदर। ये मैंने डाला जी कटा हुआ प्याज, थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च, ये गई जी पुदीने की चटनी, और साथ ये थोड़ी सी कैचअप गई है। इसके अलावा जी जो आएगा थोड़ा सा, ये मेरे पास एक और सॉस पड़ी हुई थी, ये ना थोड़ी सी कह लें जिस तरह इमली की तरह की नहीं होती वैसे है, और जी ये गया नींबू थोड़ा सारा इसके अंदर, और ये मेरे पास वाह जी वाह रेड चिली सॉस है,
हाँ क्योंकि मुझे जो सा ना थोड़ा शराब के इनके ही थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा पसंद है ना। अच्छा ये थोड़ी सी मैंने ना बॉयल चने में डाली है, और ये गया ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छा जी ये हो गई रेडी। अच्छा जी मैंने ना दूसरे दिन जो से ना ये बना ली है चने, ये भी डाल लेंगे समोसा चाट के ऊपर, क्योंकि वो वाले चने डाले थे ना तो उसका इतना खास मज़ा नहीं आया, तो अभी मैं ये डाल के ऊपर सही समोसा चाट जो से ना बनाऊंगी। तो मैंने बनाया बहुत ज़्यादा मज़े का है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो आज का व्लॉग छोटा सा आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।